छत्तीसगढ़ में एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई है जो दुनिया में अनूठी और शायद पहली योजना है। योजना है पशुपालकों से गोबर खरीदने की और इस योजना का नाम है गोधन, यानी गाय या अन्य मवेशियों का प्राप्त होने वाला गोबर। वहीं गोबर जिसका अब तक कोई मूल्य नहीं था, लेकिन भूपेश सरकार ने गोबर को अब मूल्यवान बना दिया है। लोक पर्व हरेली के मौके पर इस योजना की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक गोबर खरीदी के तहत विक्रेताओं को दो बार सरकार भुगतान कर चुकी है। आज स्पेशल स्टोरी में बात इसी गोबर खरीदी योजना पर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। घर में हो या गौठान पर, सड़क पर हो या खाली मैदान पर, हर कहीं बिना अर्थ पड़े रहने वाला मवेशियों का गोबर अब छत्तीसगढ़ में अर्थवान हो चला है। मतलब ये गोबर बड़े काम की चीज है। प्रदेश में अब गोबर का भी वाजिब मूल्य है। मतलब आप गोबर बेचकर धन अर्जित तो कर ही सकते हैं, गोबर की अहमियत को भी और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने पशुपालकों और किसानों को गोबर की अहमियत समझाने, जैविक खेती की ओर किसानों को ले जाने और गौ रक्षा और गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने लोक पर्व हरेली के मौके पर किया था। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था, आज का दिन ऐतिहासिक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बाद सरकार ने किसानों और ग्रामीणों की बेहतरी के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश दुनिया की पहली सरकार है जिसने शासकीय दर पर गोबर की खरीदी शुरू की है। यह योजना बहुउद्देशीय और सभी लोगों के लिए लाभकारी है। गोबर की खरीदी से पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। खेतों में पैरा जलाने पर रोक लगेगी, पर्यावरण प्रदूषण रुकेगा। वर्मी कंपोस्ट खाद के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा मिलने से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। खुले में चराई की प्रथा पर रोक लगेगी जिससे फसलों की सुरक्षा होगी। जैविक खाद के उपयोग से विष रहित अनाज उत्पादन और खेती की लागत में कमी आएगी। सरकार में सैकड़ों करोड़ रुपए बजट रखा थे, लेकिन हमन तय करें कि हमन लग गोबर खरीदना है। गोबर खरीदवे, गोबर से पैसा मिली। अभी 16 किलो के एक जमा गोबर हमन खरीदे 32 रुपया हो गए। साहू जी पूछे तुरघर के ठक गरवा है, वो किस 5 ठक गरवा है, कदे कन गोबर निकल जात हुई, वो कहते 75-80 किलो निकल जाएगा। तो 80 दुनी 160 रुपया और 16 × 48 4,500-5,000 के गोबर हर महीना। वो गरवा भले दूध मत दे, गोबरे भर दी तब वो 4-5,000 रुपया कमा ली। 5 गरवा रख ली तक्के में, ओकर बनाबो वर्मी कंपोस्ट। जेकर बारे में चौबे जी बहुत अकन बताई, गोबर से छेना भी बनी, लकड़ी भी बनी, दिया भी बनी, राखी भी बनी, गमला भी बनी, सब बनी। गोबर के उपटन बनाते बहुत अगर काम होते, गौमूत्र से भी बहुत पिनाइल बनाते, दवाई बनाते, वो सब हमें ले गौठान में करना है। ये जिन गौठान है तेम वर्मी कंपोस्ट बनाबो। 2 रुपया गोबर है, 45 दिन वो केचुअल मिला कर थोड़ी ओकर ट्रेनिंग ले लेबो, ओकर वर्मी खाद बनाए सीख जब 45 दिन में वही गोबर है तेन 1 किलो गोबर तेन 700 वर्मी कंपोस्ट बनी 700 ग्राम। तो एक गोबर खरीदे करे से कते कन परिवर्तन आई तेला आप समझ लो। गोबर खरीदे से मवेशी के तंदुरुस्ती है, गोबर खरीदे से पैरा मन के जलना बंद हो जाए, गोबर खरीदे से हमार जमीन के उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, गोबर खरीदे से हमार फसल के सुरक्षा हुई, गोबर खरीदे से हमर मन के अनाज की शुद्ध मिली, गोबर खरीदे से हमर खेती के खर्चा कम हुई। तो ये होगी गोबर खरीद सबका कन फायदा। वहीं कृषि मंत्री ने इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी योजना के बारे में किसान का बेटा माटी पुत्र ही सोच सकता है। ये योजना पूरी तरह से मुख्यमंत्री की देन है। उन्होंने कहा कि हरेली छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन धरती माता, खेती किसानी के औजारों और गौ माता की पूजा की जाती है। बीते 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार परंपरा, कला
और संस्कृति को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने अपने वादे को निभाया है। जब गोधन न्याय योजना शुरू करें मुख्यमंत्री जी की, इसके गोबर खरीदना है। छत्तीसगढ़ में 2400 गौठान बन चुके हैं, 2800 गौठान के निर्माण काम चला थे, जंगल में 7000 चराई गौठान बनने वाला है। आदरणीय शिव कुमार जी के नगरी निकाय मन में गौठान लगभग सब नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में बनने वाला है। लोगों ला समझ में नहीं है ये योजना कैसे चली, कैसे बनी। हमन लकी तुम कीमत तय करो, हमन 1.5 रुपया किलो लेवो के मंत्रिमंडल के समिति बैठ करके निर्णय लेन। हमार मुखिया की हिस, जब गरीब ला पैसा देना है तो 1.5 रुपया किलो नहीं बने, 2 रुपया किलो करे जाए। और योजना समझ लेना, एकर से गौ माता के रक्षा होई, गौ के सेवा होई, गांव में चरी चरागन के रोक होई। गोबर जब खरीदबो ना, ये देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 500 रुपया देते, साल भर में मिलते के नहीं मिले। लेकिन हमारी ये गोधन न्याय योजना में अभी हमन आदरणीय मुख्यमंत्री उमर काटा तराजू में गोबर के तौलाई करी, एक झौहा गोबर कतका किलो हुई से 16 किलो, समझाता हो, एक झौहा। अगर 3 झौहा भी गोबर हो गए तो 16 तिया 48 माने 96, 100 रुपया तत्काल होकर पक गए, समझ ले 100 रुपया 2 रुपया के भाव में। एक नजर छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना में अब तक की स्थिति पर। 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की हुई शुरुआत। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हरेली के मौके पर हुई शुरुआत। 20 जुलाई से 15 अगस्त तक 77,097 ग्रामीणों, किसानों एवं पशुपालकों से हुई गोबर खरीदी। 3,08,802 क्विंटल गोबर की हुई खरीदी। कुल 6,17,60,200 रुपए की हुई खरीदी। राज्य में प्रतिदिन औसत रूप से 11,000 क्विंटल की गोबर खरीदी। 2 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है खरीदी। 8 रुपए प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट खाद का किया जाएगा विक्रय। गोबर खरीदी में पहला भुगतान 5 अगस्त को किया गया था। गोबर खरीदी में दूसरा भुगतान 20 अगस्त को किया गया। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर 20 अगस्त को गोबर खरीदी के लिए दूसरी किस्त जारी करने के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गोधन न्याय योजना जिसमें प्रति किलो 2 रुपए के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने हरेली त्योहार के दिन 20 जुलाई के दिन हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें 15 दिन के अंदर में भुगतान करने का, हर 15 दिन में भुगतान करने का फैसला किया। इसके तहत 5 अगस्त को 50,000 पशुपालकों को 1,65,00,000 रुपए का भुगतान हम लोगों ने किया था। आज दूसरा किस्त हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें 76,426 पशुपालक हैं, उसके 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही इसे वर्मी कंपोस्ट बनाने का फैसला किए हैं और इसके तहत भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के आय में वृद्धि होगी। और तीसरा, इसी के तहत वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण भी लगातार दिया जा रहा है। और जब हम लोग ने शुरुआत किया था तो 2400 गौठान संचालित हो रहे थे और ये 1 महीने के भीतर में वो आंकड़े बढ़ के 4400 गौठान में गोबर खरीदी के काम शुरू हुआ है। वास्तव में गोधन न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से जहां ग्रामीणों को स्वरोजगार मिल रहा है, वहीं जैविक खेती की दिशा में भी किसान प्रेरित हो रहे हैं, वहीं गौ रक्षा और गौ पालन को बढ़ावा भी मिल रहा है। वास्तव में ये योजना किसानों, ग्रामीणों, खेत खलिहानों, गाँव के साथ मूल रूप से गायों के साथ भी न्याय करने वाली योजना है। वैभव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।